तो जब हमने ये स्कूल शुरू किया तो जब मैंने उनसे बात की कि स्कूल कैसा होना चाहिए तो हमारे टीचर्स ने कहा, सदगुरु ये एक बड़ा विजन है लेकिन ये कैसे जाने कि हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। मैंने कहा, देखिए ये एक आवासीय स्कूल है। मैंने कहा, 4 महीने वो हमारे साथ रहते हैं। 4 महीने के अंत में जब वो अपनी छुट्टियों के लिए घर जा रहे हों, अगर बच्चे घर जाते समय रो रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छा कर रहे हैं। अगर वो स्कूल के लिए वापस आते समय रो रहे हैं, मतलब हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरा शिक्षा का अनुभव लोग मुझसे पूछते हैं, आपकी साधना क्या है? तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं, मेरी इकलौती साधना ये रही है कि मैंने खुद को अनपढ़ रखा है, क्योंकि जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूं। शायद बड़े लोगों ने बस मान लिया था कि बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताना चाहता कि आपको इस जगह पर जाने की ज़रूरत क्यों है, इस जगह में ऐसा क्या खास है कि हमें जाना ही पड़ेगा। वो कुछ बोल तो रहे थे पर उन बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। तो मेरे समय की शिक्षा, मैं वहाँ केवल तभी जाता था जब वाकई ज़रूरी होता था, और जब भी मैं वहाँ गया तो मेरी मुख्य समस्या ये थी कि मुझे हमेशा लगता था कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। मैंने इस चीज़ को हमेशा बनाए रखा है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोई कितनी बकवास कर रहा है, अगर वो चीज़ उनके लिए कुछ मायने रखती है तो मैं उसे पूरी तरह सुनूंगा, चाहे वो कितनी भी बेतुकी बात हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कुछ मायने रखती है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। अगर उसके लिए ही मायने नहीं रखती जो बोल रहा है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों सुनूं। और मुझे स्कूल में हमेशा ऐसा लगता था कि टीचर्स ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो मेरे कान कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। तो मेरी शिक्षा के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। और जब मैं लगभग 17 साल का था, मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को शिक्षित करूँगा, क्योंकि कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। और ये आज की तरह नहीं था, ये सबैटिकल का विचार और ये वो नहीं होता था। आप डॉक्टर बनने की दौड़ में होते थे, अगर नहीं बन पाते तो आप इंजीनियर बन जाते हैं, केवल यही 2 विकल्प आपके पास होते थे। तो जब मैंने पास किया, तब इसे PUC कहा जाता था, 12वीं कक्षा को, और मैंने कहा मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, परिवार में जो भयानक प्रतिक्रिया हुई वो अविश्वसनीय था। फिर मैंने सोचा ठीक है, अच्छा होता अगर मैं फेल हो जाता, क्योंकि मैं पास हो गया और कह रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, इससे इतनी हैरानी और ऐसा लगा जैसे परिवार में कोई त्रासदी आ गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना परेशान क्यों हो रहे थे, क्योंकि वैसे भी मैं कुछ सीख नहीं रहा था, मैं बस आ जा रहा था और बस पासिंग मार्क्स लेकर आगे बढ़ रहा था। तो ये 1 साल मैंने कॉलेज की, जानते हैं मैसूर यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, मैंने अपना पूरा 1 साल वहाँ बिताया। हर दिन सुबह 9 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, मैं वहाँ होता था, वो रात को 8 बजे बंद करते थे, उन्हें मुझे बाहर निकालना पड़ता था। 1 साल में मैंने लगभग हर चीज़ पढ़ी, जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य, लगभग हर चीज़, पॉपुलर मैकेनिक से लेकर होमर तक, जो भी मेरे सामने आया मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ये पूरा 1 साल, क्योंकि अचानक मैं परिवार में एक तरह का दुश्मन बन गया था, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया था। बाकी सब पढ़ लिख रहे थे और तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, और तुम पास हो गए हो फिर भी नहीं जा रहे हो। तो सुबह मैं भरपेट नाश्ता करके चला जाता था। इस पूरे साल मैं बिना लंच के रहा, मैं रात को वापस घर आकर डिनर करता था पूरे 1 साल तक। जब मैं यंग था तो मैं हमेशा भूखा रहता था, मैं हर समय भूखा रहता था। लोगों के लिए यह समझना आसान नहीं होगा कि मेरे लिए यह कितना कठिन था कि मैं 1 साल तक वहां बिना खाए बैठता रहा और जो चाहा वो पढ़ता रहा। तो मैंने सोचा मैं खुद को शिक्षित करूंगा, शायद मेरी ज्यादातर पढ़ाई मेरे जीवन के उसी हिस्से में हुई थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसे आप खुद खोजते हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे, जो आप पर थोपा जाता है वो कभी आपके जीवन में काम नहीं आएगा। तो जब मैंने तय किया कि हमें एक स्कूल शुरू करना चाहिए तो लोग हैरान हो गए, सदगुरु आप? मैंने कहा हाँ, लेकिन यह स्कूल अलग होना चाहिए। और मैंने उनसे लगातार कुछ दिनों तक बात की,
कुछ लोग जो हमारे साथ शामिल थे कि स्कूल कैसा होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छठी कक्षा में था। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और हम स्कूल गए और उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी। वो एक अच्छी चीज़ थी, है ना? अगर ये छुट्टी वाले दिन हुआ होता तो अलग बात थी, लेकिन आप स्कूल गए और पता चला कि आज स्कूल नहीं है और दो दिन तक स्कूल नहीं है। तो हम बाहर बैठे और यूं ही चर्चा कर रहे थे और हमने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री मरते हैं तो क्या होगा, अगर मुख्यमंत्री मरते हैं तो क्या होगा। हमने सचमुच पूरे कैबिनेट को मार डाला। हमें कितनी छुट्टियां मिलेंगी इस साल? तो स्कूल इतनी भयानक जगह क्यों बन गई है? जिस तरह से हम इसे चला रहे हैं उसमें कुछ गलत है, क्योंकि शिक्षा, मेरा मतलब हम लोगों को क्यों शिक्षित कर रहे हैं उसे भी देखना चाहिए। वो कहीं ज्यादा गहन चीज है, लेकिन मूल रूप से जब हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा प्रणाली का अंतिम छोर वो एक मानवीय पहलू है। अगर वो मानवीय पहलू गायब है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा वहां बैठकर किसी की ऐसी बातों को सुनेगा जो खुद बोलने वाले के लिए ही कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि माता पिता उन पर दबाव डालते हैं। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो अपनी आजीविका नहीं चला पाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें अमेरिका भेज दूंगा, ये सब बकवास बातें। खुद को वाकई शिक्षित करने के लिए नहीं जाते। तो जब हमने ये स्कूल शुरू किया, तो जब मैंने उनसे बात की कि स्कूल कैसा होना चाहिए, तो हमारे टीचर्स ने कहा, सदगुरु ये एक बड़ा विजन है, लेकिन ये कैसे जाने कि हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। मैंने कहा, देखिए ये एक आवासीय स्कूल है। मैंने कहा, 4 महीने वो हमारे साथ रहते हैं, 4 महीने के अंत में जब वो अपनी छुट्टियों के लिए घर जा रहे हों, अगर बच्चे घर जाते समय रो रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छा कर रहे हैं। अगर वो स्कूल के लिए वापस आते समय रो रहे हैं, मतलब हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज आप ये ईशा होम स्कूल में देख सकते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो वो रोते हैं। छुट्टियां खत्म होने से पहले 8 दिन 10 दिन पहले ही बच्चे वापस आ जाते हैं स्कूल को तैयार करने के लिए। तो ये अच्छा है, वो अपनी स्कूली प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों हम अपने बच्चों को इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं? क्या पाने के लिए, किस उद्देश्य से? सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष लेने के लिए myjnalay.in पर विजिट करें।